राशन माफियाओं पर देर शाम 5 अलग अलग थानों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। गौरतलब है कि कल कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा 80 लाख रुपए से अधिक का राशन घोटाले का खुलासा किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने भरत दवे, प्रमोद दवे व श्याम दही घोड़े के खिलाफ इंदौर शहर के 5 थानों में अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, जिसमें इन आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वाकई गंभीर धाराओं पर मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। राशन माफियाओं ने लॉकडाउन अवधि में हितग्राहियों के राशन पर डाका डाला था व हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ से वंचित किया था, जिसके तहत अब प्रशासन द्वारा खुलासा होने के बाद पुलिस ने भी प्रकरण पंजीबद्ध कर इन आरोपियों की तलाश शुरू की है। पूरे में अलग अलग थाना क्षेत्रों में, 6 थाना क्षेत्रों में लगभग 10 अलग अलग प्रकरण कायम हुए हैं जो 30 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध हैं। इस पूरे मामले में 2 लोगों के विरुद्ध NSA भी किया जा रहा है। चूँकि ये मामला काफ़ी संवेदनशील है, इसमें जिस तरीके से एक योजना के तहत इतने बड़े लेवल पे इस घोटाले को, इस पूरे दुष्चक्र को अंजाम दिया गया, उसको लेकर के इस मामले में SIT भी गठित की गई है और एडिशनल SP राजेश व्यास SIT को देखेंगे और साथ ही साथ इसमें CSP और 3 TI भी हैं जो उन्हें सहयोग करेंगे। उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी अंतिम रूप से इस पूरी जांच को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। अभी तो FIR हुई है, कल रात में FIR हुई है, इसमें SIT ने आज काम आज से शुरू कर देगी और इस घटना से जुड़े जो भी तथ्य पहलू है सब पे बारीकी से, सूक्ष्मता से, वस्तुनिष्ठ तरीके से जाँच की जाएगी। ये थाना राजीव बाजार थाना भवर हुआ व थाना जूनी इंदौर में कुल 5 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। ये राशन की कालाबाजारी करने व हितग्राहियों के राशन की जमाखोरी करने के संबंध में जो है ना, धारा 3-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, धारा 420, 409 व 120 बी भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दीपक दवे, श्याम दवे व प्रमोद दही घोड़े व अन्य आरोपियों के विरुद्ध FIR पंजीबद्ध हुई है। सर, लगभग कितने का घोटाला किया गया है? ये अभी FIR में क्वांटिफाई नहीं हुआ है, आगे इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। अलग अलग FIR हुई हैं, अलग अलग FIR में अलग अलग जो है वो क्वांटिफाई किया जाएगा। सर, इस प्रकार की और भी कई शिकायतें आई इनके खिलाफ? ये लगभग 10 FIR अलग अलग थानों पर पंजीबद्ध हुई हैं, जो मेरे सब डिवीजन में है वो 5 FIR इनके विरुद्ध पंजीबद्ध हुई है।